guys, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. So today's topic is a really interesting one which is all about smartphones in Canada. So when I was in India back then मेरी भी यही mentality थी जैसे कि बहुत सारे लोगों की इंडिया में होती है. यहाँ पर expensive phones जैसे कि Samsung के top models हो गए या आईफोन्स हो गए, ये सारे बाय करना बहुत इजी है, बहुत अफोर्डेबल है. लोग तो ये भी सोचते हैं कि यहाँ पर फ़ोन्स फ्री में मिलते हैं. सो यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान ने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा वंस इन अ वाइल कि जब भी वो अपने कंट्री में वापस जाते हैं उनके फ्रेंड्स और फैमिली यही रिक्वेस्ट या डिमांड करते हैं कि उन्हें आईफोन लेके दीजिए या एक्सपेंसिव फ़ोन्स लेकर जाइए बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर देयर फील दैट इट्स इधर फॉर फ्री और बहुत नेग्लिजिबल रेट्स. इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे एंड लेट मी बर्स्ट सम ऑफ द मिथ्स and give you facts about buying phones over here. तरह से इंडिया में जो कैरियर्स है जैसे कि वोडाफोन हो गया, एयरटेल है, जियो ले लीजिए, इस तरीके से जो कैनेडा में कैरियर्स है जो मोस्ट पॉपुलर आप कह सकते हैं दे आर लाइक बेल, रॉजर्स, टेलस एट्सेट्रा. सो ये टॉप थ्री है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं. उसके अलावा फाइडो है, देन देर आर सम प्रीपेड कार्ड्स एज वेल. तो यहाँ पर मोनोपोली है वो है कि यहाँ पर जो कार्ड्स है, जो सिम कार्ड्स है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. सो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया में हम फ़ोन्स ऑनलाइन या इन स्टोर जाकर परचेज कर लेते हैं उस तरीके से सिस्टम यहाँ पर नहीं है बिकॉज़ यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया जो परचेस करने के लिए एसेंशियल है वो है कि आप कैरियर या सिम कार्ड सबसे पहले आप बाय करें और सिम कार्ड प्रोवाइडर्स जो है वो पर्सनलाइज डील्स देते हैं ऑन वेरियस जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है, लेटेस्ट फ़ोन्स हैं उन गैजेट्स पर सिम कार्ड प्रोवाइडर्स अपनी पर्सनल डील्स देते हैं. सो आप सारे प्रोवाइडर्स के कंपेयर कर सकते हैं डील्स और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोवाइडर के साथ आपको रहना है. यहाँ पर आपको इंटरनेशनल कॉलिंग या कैनेडा वाइड कॉलिंग, उसके अलावा आपके मैसेजिंग यानी जो चैट्स हैं उनके लिए फीचर्स रहते हैं एंड देन जो जनरल आपको डेटा, डिफरेंट डेटा पैक्स आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. बट जो ऑलमोस्ट एवरेज ऑन अ मिनिमम जो डेटा पैक चार्जेस स्टार्ट होते हैं वो $55 to $60 पर मंथ के लिए आपको पड़ सकते हैं. सो अगर आप कैलकुलेट करें तो इंडिया के हिसाब से $60 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3600 यानी 3600 INR पे आपको एवरी मंथ पे करना है आपका इंटरनेट का बिल या फिर आप कह सकते हैं आपका सिम कार्ड पेमेंट. सो इजंट इट कॉस्टली गाइस? येस इट इज़. वेयर एज अगर आप इंटरनेट इंडिया में ले रहे हैं आपके सिम कार्ड के साथ जो प्लान्स है वो $200 to $300 में ऑन एन एवरेज एवरी वन कैन अफोर्ड, बट यहाँ पर इट इज़ कॉस्टली. और जब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्कर या PR पे नए नए कैनेडा में आते हैं तो ये अफोर्ड करना और आपके आपके मंथली एक्सपेंसेस में $60 के एक्सपेंस को इंक्लूड करना इज़ अ बिग थिंग. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट मिथ बस्ट. उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन्स मिलते हैं विच इज़ अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट. सो काफ़ी फ़ोन्स और काफ़ी कैरियर्स ये भी डील देते हैं जिसमें वो 0 डाउन पेमेंट पर आपको फ़ोन देते हैं, यानी आप खाली हाथ स्टोर में जाओ और आप फ़ोन लेकर आ जाओ एंड यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर इट. सो ये एक चीज़ है जो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है कि वो यहाँ पर आकर तुरंत ही एक्सपेंसिव फ़ोन्स बाय कर सकते हैं. वो नॉमिनल आपके क्रेडिट चेक्स करते हैं एंड यू आर गुड टू गो, दे गिव यू फ़ोन्स. लेकिन एवरी मंथ ऑन इंस्टॉलमेंट्स आपको 2-year के लिए फ़ोन के लिए पे करना पड़ता है जो भी उसके वो लोग आपको प्लान्स बताते हैं डिविजन्स उस हिसाब से. अगर आप अपफ्रंट कुछ भी पे नहीं कर रहे तो
एवरी फोन हैज़ डिफरेंट प्लान चार्जेस. अगर आप 2 ईयर का प्लान लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो आजकल के जो आईफोन 14 है या सैमसंग में देखे तो 22 अल्ट्रा है, इन सब के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको पर मंथ अगेन 30 to 40 to 50 डिपेंडिंग अपॉन किस कंपनी के साथ आप अपनी डील ले रहे हैं उसके हिसाब से होता है. सो अगेन आपके $60 ऑफ आपका प्लान प्लस 30 to 40 or 50 ऑफ आपका फ़ोन हो गया अप्रॉक्सीमेटली $100 विदाउट टैक्सेस. जस्ट कीप इन माइंड कि टैक्सेस इज़ अ डिफरेंट थिंग हियर और एवरीथिंग हैज़ गॉट टैक्सेस टू पे विद इट. तो कनाडा के हिसाब से भी $100 इज़ अ बिग अमाउंट. इट इज़ नॉट अ नेग्लिजिबल अमाउंट फॉर अ बिगिनर, फॉर अ न्यू कमर. और बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं इनिशियली, बिकॉज एक मेंटालिटी रहती है कि जब भी आप इंडिया या कोई भी कंट्री से आप कनाडा अब्रॉड आए तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट फोन्स एंड दे प्रोवाइड अस विद सच सॉर्ट्स ऑफ डील्स कि न्यू कमर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि ओ आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग अप फ्रंट एंड देन द कॉस्ट विल बी डिवाइडेड पर मंथ सो इट वॉन्ट बी अ बिग डील फॉर मी. बट इट बिकम्स अ बिग डील अगर आप अपने बजट को फाइनलाइज नहीं करते हैं. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप न्यू कमर है और आप अपना करियर यहाँ पर बनाने आ रहे हैं और यू हैव टू कंसिडर योर कॉस्ट्स, आप अपने जो भी इंडिया से फ़ोन्स ला रहे हैं प्लीज़ यू कैन कंटिन्यू देम. और आप अपना जो सिर्फ यहाँ पर सिम कार्ड है वो आप मंथली बाय कर सकते हैं. तो सो आप 100 से डायरेक्टली $60 पे आ सकते हैं, आपका $40 का कट शॉर्ट कर सकते हैं. और उसके अलावा यहाँ पर और भी प्रीपेड कार्ड्स अवेलेबल है लाइक चैटार है, उसके अलावा लकी मोबाइल्स है. ये सारे प्रीपेड कार्ड्स आपको $30 to $40 के पर मंथ बेसिस पर भी आप ले सकते हैं अगर आप $60 ऑफ फाइडो रॉजर्स या बेल ना पे करना चाहे तो. वो थोड़ा सा कम डेटा प्रोवाइड करते हैं बट आपके डे टू डे नीड्स के लिए दैट इज़ सफिशियंट. यहाँ पर ज़्यादा डेटा यूजेज रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज आपके घर में वाईफाई होता है, आपके वर्क प्लेस पर वाईफाई होता है. मोस्टली आपको ट्रैवलिंग के वक्त या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मैप्स देखने के लिए या वेदर देखने के लिए या कुछ सर्च करने के लिए नॉमिनल से इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो कि आप प्रीपेड प्लान्स भी सफिशेंटली आपके नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं. सो या दैट्स अनदर थिंग. उसके अलावा येस, यहाँ पर कभी कभी डील्स के वक्त एक्सपेंसिव फ़ोन का अगर आपको क्रेज़ है या अगर आप स्विच कर रहे हैं एक नए फ़ोन में, सो डेफिनेटली ब्लैक फ्राइडे डील्स जो कि एक अफोर्डेबल टाइम है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रिसमस के टाइम डील्स होते हैं और ये 1 to 2 months प्रायर स्टार्ट हो जाते हैं. अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर सारे 2.5 months ऑलमोस्ट ये डील्स होते हैं. और ये आपके ऊपर है कि आप कितने अफोर्डेबल डील्स फाइंड आउट कर सकते हैं. बिकॉज मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल अगर दूँ तो आई केम इन, यहाँ पर जो स्टोर्स होते हैं वो भी अपने पर्सनल डील्स पुट इन करते हैं. सो जिस वक्त मैंने अपना अपग्रेड कराया फ़ोन उस वक्त मुझे एक ऐसी डील मिली जिसमें मैं ट्रेड इन कर सकती थी और मेरे फ़ोन की जो ओरिजिनल वो लोग जो ट्रेड इन प्राइस दे रहे थे उसे उन्होंने 2 times मल्टीप्लाई कर दिया था सो दैट मुझे उसकी थ्राइस दी प्राइस मिली. सो ऑलमोस्ट मुझे नेग्लिजिबल अमाउंट में एक अपग्रेड अच्छा सा मिल गया एंड देन आई हैव टू पे जस्ट $6 एक्स्ट्रा फॉर माई फ़ोन पर मंथ प्लस द प्लान चार्जेस. ऑल्सो अगर आपके कोई भी रिलेटिव है, आपके हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर जो भी आपके रिलेटिव है उनको अगर आप अपने ही कार्ड या अपने ही सिम से पोर्ट देते हैं तो एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं. सो इस तरीके से जब भी आपको लगे कि अच्छे डील्स है और अच्छे ऑफर्स पे अच्छे डिस्काउंट्स पे आपकी जो ओरिजिनल फ़ोन की जो प्राइस है उससे आप बहुत कम में फ़ोन ले सकते हैं उसी टाइम अपग्रेड कीजिए और उसी टाइम
आप नए फोन्स पर स्विच ओवर कीजिए. सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड. और यस, होता है कि कभी कभी फोन्स यहाँ पर बहुत से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट चीप. एंड इनिशियल स्टेजेस में फोन्स के बिल्स और फोन्स के प्राइसेस अफोर्ड करना इज़ नॉट अ गुड रिकमेंडेशन. सो या, आई थिंक दैट्स एन ओवरव्यू ऑफ किस तरीके से यहाँ पर फोन्स बाय होते हैं. एंड एवरी वन आउट देयर हु आस्क्स देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स टू गेट आईफोन्स फॉर देम फ्रॉम कैनेडा और अब्रॉड, आई वुड डेफिनेटली से दैट इट्स नॉट फ्री हियर. एंड वहाँ पर अगर फ़ोन लेकर जाते हैं तो आपको सिम कार्ड ऑफर्स है वो भी नहीं मिलते. सो जो भी फ़ोन के ओरिजिनल प्राइसेस है उसमें ही आपको फ़ोन मिलता है, एंड देर इज़ नो डिस्काउंट ओवर दैट. सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस और सजेशंस, प्लीज़ राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल सी यू वेरी सून with some fun videos. Till then, abhyantot!